शिशु सहाय आदरणीय हमारे सिटी सिटी प्रिंसिपल रेवरेंड डॉक्टर सीएस कैप्टन गोविंदपुर नगर प्रेम स्कूल कविता स्कूल न्यू लैंग्वेज सेंटर के प्रधान अध्यापक हेडमास्टर डायरेक्टर रेवरेंड बसंत रेंगर और दोनों संस्था के टीचर्स और दोनों संस्था के स्टूडेंट्स, आज हम क्लिनिकल कॉलेज प्रोग्राम में आए और इस स्थान में आकर के आज के विषय वस्तु पर हम चर्चा करना चाहेंगे। की रोड एड्रेस में बहुत सुंदर हम लोग सुना, इसका उद्देश्य क्या है? लीव एंड टू लीव, लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो, ये फ्रेज है और इसका फ्रेज में जाएंगे तो हजारों फ्रेज होंगे अंग्रेजी में और उस तरह इसका हिंदी भी अनुवाद है, जियो और जीने दो। इसका बुनियादी ज्ञान हम सबको हमारे रेवरेंड जोर्ज के पिता विस्तार से बताए, नोट भी किए हमने और इसका गूगल में जाएंगे तो स्पष्ट मिलेगा, सारे विस्तार से ज्ञान मिलेंगे, इन विद्वानों का सोच और विचारों को देखते हैं और इसमें इसका तीन चार पाँच टॉपिक्स है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे और मेरा टॉपिक्स है कलिसिया के साथ ये जीव और जीने दो पर इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इस प्रस्पेक्टिव में इस संदर्भ में कैसा हम लोग समझ सकते हैं उसका हम लोग चर्चा करेंगे। कलिसिया के जीवन, आप यहाँ क्लिनिकल कॉलेज के पीछे बगल में है हेडक्वार्टर कॉम्प्रेशन रांची, जिसको माता मंडली के रूप में देखते हैं, सेंटर है जो रांची में रहते हैं और प्रेसर लोग अभी नए नए पहुँचे हैं उनके लिए भी नए पहचान है। ये हेडक्वार्टर कॉम्प्लिकेशन अर्थात मंडली, माता मंडली, ये पहला मंडली है चर्च का दुनिया भी है, पहला मंडली है इसे माता मंडली के रूप में देखते हैं। तो उसका पूरा में जाएंगे जो सड़क चलती है और उसका ऑडिटर था चाहे पूर्णिमा प्रेसिडेंट था बांग्ला कहा गया थे बाद में प्रमुख अध्यक्ष का बांग्ला कहा गया, अभी मॉडल का बंगलो कहा गया और उसे उसी में मैं रहता हूँ अभी करीब करीब 7 साल हो चुका है। इस रहने के क्रम में सारी बातों को कलिसिया के जीवन को देखता हूँ, कलिसिया के गति को देखता हूँ, जीव और जीवन मैं कैसे जीता हूँ और कलिसिया कैसे जी रहा है उसका हमेशा स्मरण करता हूँ। जीते वक्त सकता हूँ कौन सी हमारा प्रिंसिपल सवाल उठाए कर दें, मॉडरेटर को कैसा रहना चाहिए और कैसा सुविधा सहायता होना चाहिए ताकि कोई भी हम आ सकें वहाँ पर आ सकें और साथ ही आप लोग कल पर अच्छा ढंग से बात करता रहते इसके विषय में कि पीटीएस के साथ और पेन साहब यूथ के साथ हम बात कर सकते हैं। अगर मॉडरेटर बीमार हो जाएगा तो कैसा सेवा करेंगे, उसका सेवा अगर सही नहीं होगा तो कैसा भी होगा। सही में बातों को लोग पहचाने लगा है और वहाँ पर कहा गया कि साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सफाई के आदमी चाहिए, हमारे प्रिंसिपल से अच्छा सवाल किया था लेकिन कोई ध्यान दिया हम सोचते नहीं दिया है। और मैं अगर कहता हूँ तो मेरे लिए अपना सुविधा के लिए करना चाहते हैं यही कहते हैं, इसलिए मैं कभी नहीं करता हूँ, मांग भी नहीं करता हूँ, इस तरह से होना चाहिए। गोविंदपुर में भी बहुत लोग देखा है कि वहाँ पर कई समय जीवन भी व्यतीत किया, अपने हाथों से पानी लाना, कुआं से निकालना, धो के लाना, सफा करना, घर सफा करना, हर चीज़ किया गया, साथ ही पढ़ाई का काम, साथ ही ऑफिस का काम, साथ ही खेती का काम और 2 साल ड्राइवर नहीं थे, खुद ट्रैक्टर में चले, गाड़ी में चले, इसमें उसके कमाई से हम रेस करना चाहा और काम किया, ये क्यों करना चाहिए? कलिसिया की स्थिति और परिस्थिति में हमको जुझना है और एक आदर्श बनना है और इसलिए बोस्टन नाइकल बोस्टन की पूरा लुथरन चर्च से बात करूँगा। लुथरन प्रोटेस्टेंट कलिसिया में एक डियाकोनस या डियाकोन डियाकोनल मिनिस्ट्री जो हम लोग कहते हैं मेरा विषय है डियाकोनल परस्पेक्टिव में संदर्भ में मैं कहूँगा किस प्रकार हम लोग सेवा करें, किस प्रकार हमारे चर्च की स्थिति है। अभी मैं सौभाग्य समझ कर वहाँ से अगल बगल में सब कुछ देखता हूँ, राइट में देखूँगा स्कूल है, बीएड कॉलेज है, एमएड कॉलेज है, लेफ्ट में देखता हूँ
मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, और इधर गोसना कॉलेज भी है, और सामने इधर टी सेट में है, ये पॉलिटिकल कॉलेज टी सेट में है, ऐसा है, और इसमें ये टी सेट पॉलिटिकल एजुकेशन सेंटर है, और गोसना डेवलपमेंट सेंटर जाएंगे तो वहाँ ई सेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में देखा है, ई सेट जैसे कैपिटल ई लिखते हैं, तो ऐसे ई सेट में वहाँ का बिल्डिंग बनाया हुआ है। उन सेट को देखता हूँ तो उसमें बहुत बड़ा प्रेरणा है, मोटिवेशन है कि इस तरह से कलेक्शन के अधिकारी होकर के हमारे साथ ये मिनिस्ट्री चल रही है, और ये डियाकोनल मिनिस्ट्री है, इसी को डियाकोनल चाहे कलेक्शन के साथ संदर्भ में काम करते हैं, विभिन्न संस्थाओं समाज से और भी बात सुनेंगे, विभिन्न प्रोजेक्टर्स के साथ हम लोग सुनेंगे, लेकिन ये समाज सेवा और कलेक्शन का सेवा है, इसी किसी भी लुथरन कैंपस में जाए किसी तरह का है, स्कूल है, चैरिटेबल संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे जाते हैं, और कैथलिक सेंटर जाए तो उनका तो मस्त है, हर एक प्रिस्ट को हर एक मरीज को डीएक्ल मिनिस्ट्री के लिए स्पेशल पढ़ाई होती है, और उसका डिग्री होते एजुकेशन में कैसा कौन रहेगा कैसे चलाना है सारा एजुकेशन के सिस्टम में है, और इसलिए पॉलिटिकल एजुकेशन जो कैथलिक बेस में है उनका अच्छा सेटअप है, डिग्रियाँ हैं और अच्छा कोर्सेस है जो लाइब्रेरी उपलब्ध है, सारा चीज़ वहाँ पर हम देखते हैं, कैथलिक सेंटर आप जाइए और पूरा सेटअप रहता है, और बिना मिनिस्ट्री के उन्होंने नहीं रह पाते, उनका काम है मिनिस्ट्री सेवाएँ सेवा देना उनका प्राथमिकता है, और आप मंडली में जाएंगे तो क्या मिलेगा, आराधना ठीक से, साक्षीवादी सब ठीक से, उद्देश्य ठीक से, कीर्ति प्रार्थना ठीक से, आशीर्वाद किया ठीक से, तो खत्म, इतने ही आप संतुष्ट रहेंगे, ये तो स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री में हम लोग लिंक है, और इसी मिले उसी के लिए ज़्यादा अभी दिखाई दे रहा है कि हम ये ऑफिशियल चाहे कॉन्ग्रेशनल मिनिस्ट्री में हम लोग अधिक जोर देते हैं, चाहे पात्र मिनिस्ट्री में हम लोग जोर देते हैं, इतने ही लोग काफ़ी समझते हैं, लेकिन हमारे साथ स्कूल है कॉलेज है इसका कोई रुचि नहीं है, उसमें हम लोग इनपुट नहीं देते, आपको कभी पढ़ाने का मौका नहीं दिया है, चाहे उसका जरूरत को नहीं समझाने का प्रयास किया है, और इसलिए रिक्रीट अच्छा से जगह है जहाँ कोविड टू वालों के रिक्रीट हुआ, लेकिन ये स्थानीय लोगों के कॉलेज वालों के तो रिक्रीट नहीं है, रिक्रीट वो है अपना कैंपस से बाहर चला जाना, दूसरा परिवेश में चला जाना, चाहे समुद्र किनारे चले जाइए, चाहे पहाड़ में, चाहे इधर लेकर हाट में जाइए, तो वो रिक्रीट चला जाए, बाहर जाना है और आध्यात्मिक की चिंतन मनन करना है, और रिट्रीट के समय में आपका गाय गोरों को छोड़ देना है, काम उद्यम को छोड़ देना है, बिल्कुल आपका दिमाग ये आध्यात्मिक साधना है, आज योगा दिवस है, योगा दिवस केवल वही साधना करे फिजिकल फिटनेस के लिए चिंता करता है, इसलिए रिट्रीट उसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं, हम व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमारी परिस्थिति अपने बीच में शेयर करते हैं, वो भी एक दूसरे से रिट्रीट हम आरम्भ किया है, हम एक बार यहाँ आते हैं, दूसरा बार गोविंदपुर जाते हैं, एक्सपोजर टाइप होता है, ये एक्सपोजर टाइप होता है, तो रिट्रीट अलग चले जाएंगे, मान लीजिए कपिल सेंटर आपको ले जाते हैं, वहाँ पर अच्छा व्यवस्था करके वहाँ सीखते हैं, इसलिए बहुत सारे गुरुकुल से हैं, एक साथ में रिट्रीट करते हैं गुरुकुल में, और भी गुरुकुल हैं चेन्नई के भीतर में, वहाँ पर रिट्रीट किए जाते थे, अच्छा कैंपस अच्छा सुविधाएँ वहाँ देख करके, देख करके वो सीखते हैं, देख करके सीखा जा सकता है, आप गोविंदपुर जाएंगे डीटीसी वाले तो वहाँ पर देख करके सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें, पेड़ पौधा देखेंगे, गाय गोरु देखेंगे, दूध दुहने वाला देखेंगे, कल हम दूध दुहते हुए एक पिक्चर वीडियो हम देख रहे थे जिसको बसंत कर देने वाले हैं, एक अच्छा पिक्चर है वो है जिसमें रेवरेंड एमपी और खरीदे थे और वो दूध दूध रहे मेहमान घर और उसका अच्छा वीडियो मेरे पास है, और ऐसा पिक्चर विदेश को देंगे चाहे दूसरों को देंगे तो ये अच्छा गलत होगा, लेकिन अभी हम जाते हैं तो गोविंदपुर के पास क्या गए हैं देसी गई है, और बड़ा बाल्टी में आप नहीं धो सकते, हो सकता है दुहा में धो सकते हैं, तो एक लीटर दो लीटर धुएगा उस तरह का, तो ये इसे कंपेयर करते हैं कि इस प्रकार का काम में हम लोग किसा कैसा डेवलप करेंगे, उन्नति क्या हमारा सोच और विचार को कैसा आगे बढ़ाएंगे, वो एक चिंतन की बात है, ये हमारे परिस्थिति में भी है, उन दिनों में परिस्थिति अलग था लेकिन आज उसका सिचुएशन अलग हो गया,
इसलिए परिस्थिति आते हैं, लेकिन ये समाज का काम को तो जब भी देखता हूँ, बाइबल को जब खोलता हूँ तो कंप्लेन के ऊपर कंप्लेन आता है। अभी कहाँ भी जाइए, प्रचारक के ऊपर में, चाहे पर्दियों के ऊपर में, चाहे प्रचारिका के ऊपर में, कंप्लेन ही आता है। और कंप्लेन के आधार किसी का ट्रांसफर हो गया, किसी का क्या हो गया, किसी का छुट्टी सस्पेंड हो गया, क्या चीज़ कंप्लेन इतना ज़्यादा है हमारे दूसरे भी चर्च में बहुत दिक्कत हमेशा। अभी भी मैं फुर्सत नहीं रहता तो कंप्लेन का फोन आता है हमेशा, जो फोन आया था कंप्लेन ही आता है, सोने नहीं देते। रात को 10 बजे तक और 7 बजे से ऑफिस आने तक अभी भी यहाँ कंप्लेन कर कंप्लेन ही कंप्लेन। और वो कंप्लेन आप बाइबल में देखेंगे, लेकिन ट्रिप क्रिया से आ गए 1 से 6 पढ़ेंगे दोस्त माइक लेके। प्रेरित क्रिया 6:1-6 सात सेवकों का चुना जाना। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर गुर्राने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की शुद्धि नहीं दी जाती। तब उन बाराहों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से सात सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हों चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली की मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिपुस और फ्रुकुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंतर्कियावासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। यहाँ तक एक बहुत धन्यवाद। यहाँ क्या है कंप्लेंट, कंप्लेंट कारण से दूसरों पर कौन लोग नए नियम पुराने नियम, नए नियम क्या लिखा गया यूनानी और पुराना नियम इब्रानी, ये दो प्रकार के लोग कलीसिया में यूनानी भाषा भाषी और इब्रानी भाषा भाषी, ये दोनों कम्युनिटी, इसको हम कम्युनिटी कम्युनियन की बात करते हैं, जिन्हें वजह इनके कम्युनियन ऑफिस आते हैं। वहाँ एल्डर है और WCC है, कम्युनियन एक समूह। आज हमारे परिसर में कम्युनिटी में आया गोविंदपुर से और रांची से, एक कम्युनिटी के लोग हैं लेकिन एक कम्युनियन है, अलग अलग कैंपस है। तो यहाँ पर ये स्वाभाविक है यूनानी भाषा भाषी लोग और इब्रानी भाषा भाषी लोग पर ये कंप्लेन आया। और कौन करता है यूनानी वाले इब्रानियों पर क्या करते हैं सेवा में लोग सहायता नहीं करते हैं, चाहे सेवा पर ध्यान नहीं देते और इसलिए तो कंप्लेंट किया गया। वैसे आप मंडली में जाएंगे चाहे पेरिस में जाएंगे चाहे डायसिस में जाएंगे चाहे सेंट्रल काउंसिल में आएंगे, कोई भी अधिकारी हो बन करके वो तो कंप्लेंट आएगा ही आएगा, बिना कंप्लेंट का हम लोग नहीं रह सकते, ये स्वाभाविक है। आज भी थोड़े क्वेश्चन के वचन में देखिएगा बहुत अच्छा लिखा गया नीति वचन 24 अध्याय, वहाँ पर धर्मी और दुष्ट लोगों के बारे में कहा गया, धर्मी और दुष्ट लोगों का
बारे में कहा गया। धर्मी दुष्ट है करके हमेशा अपना घमंड बनाता है, लेकिन दुष्ट हमेशा धर्मियों का विरोध में काम करता है, उसको नाश करके तोड़ने के लिए प्रयास करता है। लेकिन वचन में कहता है कि पड़ोसी प्रेम है जीवन में मित्र जियो और जीने दो वाला कोई नीति अपनाते नहीं। यहाँ पर भी जियो और जीने दो वाला नहीं दिखता, लेकिन कंपेयर ऊपर कंपेयर किया जाता है। और उस पर कलीसिया करके क्या किया लोग प्रथम कलीसिया क्या किया व्यवस्था किया, विभिन्न प्रकार के काम के लिए लोगों को सात सुनाम पुरुषों को नियुक्त किया। सात सुनाम पुरुषों को जो सेवक कहा गया, सात सेवकों को चुना जाना विषय कहा गया, चयन किया। और जो प्रेरित लोग हैं वचन सेवकाई पर लगे रहे, नहीं तो वचन सेवा करने वाला। और इधर इसमें हम कहेंगे सोशल गॉस्पल, और क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल गॉस्पल, क्या तो बोलते हैं भाषा में नियम चक्र विद्वान कमी है। बाइबल जो पढ़ते हैं आध्यात्मिक के साथ साथ सामाजिक काम को भी करने की आवश्यकता है। आप जहां भी जाएंगे देखेंगे सामाजिक कामों को जो सोशल गॉस्पल है चुनौती है आवश्यक हम लोगों का पहचान करना। आपके बीच में बहुत सारे लोग हैं, पहचान करना। आप जिस मंडली में जाएंगे वहाँ पर पहचानना होगा कि इनको क्या जरूरत है, या गरीबी है या बीमारी है या अशिक्षा है या बेरोजगारी है, ये सब समस्या है। उसमें कौन कौन लोग कौन कौन समस्या में है, प्रत्येक व्यक्ति सभी में समस्या नहीं है, लेकिन कोई खास कारण से लोग गरीबी होते जा रहा है, या खास कारण से बीमारी होते जा रहा है, कोई खास कारण से अशिक्षा होता तो बेरोजगारी हो जाता है, ये सब कारण है। उन कारणों को देखना और कलीसिया का फिर प्रबंधन करना, सेवा पहुँचाना। आप मंडली में कचरा कोठा में रहेंगे और कोई जगह से प्रार्थना के निवेदन किया नहीं जाएंगे, नहीं कर सकते 24 आवर्स आपको एवरेडी रहना होगा। एवरेडी हमेशा तैयार रहने की, जीव और जीने की स्थिति में हमेशा आपको तैयार रहने की बात। कोई प्रार्थना करने बुलाता है आज नहीं कल जाऊंगा करने से दिक्कत हो सकता है, कल तक वो किए कि नहीं किए इतना सीरियस है नहीं कर सकते, कौन से आजकल करते हैं। लेकिन हम जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे कंटेक्स्ट को नहीं पहचानेंगे, संदर्भ को नहीं पहचानेंगे। इसलिए आपका पहुँच लोगों के साथ होना चाहिए, आपका संबंध संपर्क लोगों के साथ होना चाहिए, उतना बैठना कभी भली भांति समझ सकेंगे। इसलिए सामाजिक सेवा के लिए आप जब चुने जाते हैं लोगों की आवश्यकताओं को पहचानना है और उसके अनुसार आपके काउंसिल में चाहे आपके सभा में निर्णय करने की बात है। अगर कोई बीमार है उसका सेवा की जरूरत है, बहुत गरीब है, बच्चों लेने की बात है और नहीं लेंगे तो क्या होगा, हम तो मर ही जाते हैं। उसका सहायता अगर नहीं करेंगे तो वो संकट में पड़ जाएगा। और पड़ोसी प्रेम की बात करते हैं, आपका धन संपत्ति ला करके उसी में डाल देना है। इसलिए प्रेरित भी है दूसरा अध्याय में देखिएगा 42 से 47 तक 47 तक जाइएगा, वहाँ पर अपना संपत्ति को ला करके इन्वेस्ट करना है ताकि एक कारण जीवन पा सके। प्रेरित क्रिया 2 अध्याय का 42 से 47 तक जाएगी, वहाँ पर चर्चा है कि सचमुच में आपका उनसे कभी का ईश्वर सेवा चाहे अपना सेल्फिशनेस को त्यागना, अपना पैसा को निकलना और दूसरों को इन्वेस्ट करना सहाय तो नहीं है, सहाय है अपना पैसा दूसरों को इलाज करूँगा तो खर्च कौन ऊपर कौन आएगा, किसी को दे देता हूँ बताता हूँ ऐसा मैं हेल्प किया तो अच्छा नहीं समझता, समझते हैं घर वाले आपके परिवार के लोग विरोधी हो जाएंगे, किसी परिवार में जाएंगे चाहे प्रिंसिपल का परिवार जाएंगे चाहे हेडमास्टर का परिवार चाहे मेरा परिवार चाहे किसी पत्नी का परिवार में, अगर भला काम का कर दिया ऐसे स्थिति में आप दे दिए तो निश्चित रूप से सवाल आएगा। लेकिन बाइबल क्या कहता है, निश्वर को करके आपके धन को कहाँ इन्वेस्ट करना है, जो जरूरतमंद लोगों के जीवन में आवश्यकता है वहाँ पर इन्वेस्ट करना है। इसी बात को हमने देखा है जो विदेशी लोगों के जीवन में दिखता है,
विदेशियों के जीवन में दिखता है, अमेरिका कनाडा में देखे विश्वासी लोग आपको देखा ही नहीं है। कोई अगर एप्लीकेशन पहुंच गया चाहे स्कॉलरशिप के लिए चाहे कोई सहायता के लिए चाहे प्रोजेक्ट के लिए देने के लिए तैयार आता है, वे लोग यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन उनका सोच है कि ये गरीब देश के लोग हैं, ये करने से ये लाभ मिलेगा, ये सेवा मिलेगा, इसलिए देने में आता है। इसलिए जितना भी चैरिटेबल काम होता है विदेश एंट्रा से बहुत ज़्यादा आता है, ट्रेड फॉर दी वर्ल्ड उनका संस्था ही है, ट्रेड फॉर दी वर्ल्ड। आप विश्व भूखा है उसको अन्न देना है, विश्व जगत भूखा है उसको क्या देना है, अन्न देना है, खाना खत्म देना है। और इसलिए उस संस्था का उद्देश्य इसे है कि वो हमेशा तैयार आता है हमारे थर्ड वर्ल्ड को, अफ्रीका हो चाहे एशिया महादेश के लोग को जो जरूरत है उसको देने के लिए करोड़ों में देता है, करोड़ों में। जैसे कोविड के काल कितना ने कितना दिया, कई रूप में दिया, अनगिनत संख्या में दिया और बहुत सहायता। अभी भी ये लोग उनका मन में ऐसा है कि उनके पास पैसा है नहीं, लेकिन लोग उसे कठोरते हैं, लोग उनको समझा कर बुझाते हैं कि यहाँ के लोग ऐसा है और यह हमारा मित्र है, तो पार्टनरशिप बताते हैं, फ्रेंडशिप बताते हैं, कलिसिया कलिसिया के साथ संबंध रखते हैं। इसलिए उनका सोच और समाज उस तरह से बनता है और देने में पीछे नहीं हटते हैं। अभी भी गोविंदपुर के लिए सहायता देने के लिए आगे अच्छा प्रोजेक्ट बना के देंगे तो अच्छा सहायता मिलेगा, अभी भी जीडीसी के लिए सहायता देने के लिए तैयार है। अच्छा प्रोजेक्ट होगा, अच्छा सोच होगा, अच्छा कम्युनिटी होगा तब होगा, और आधार खोलेंगे और आधार डिस्टर्ब करेंगे तो नहीं होगा। आपका कम्युनिटी पीस बिल्डिंग में आपका सहयोग होना चाहिए, कम्युनिटी बिल्डिंग में हारमोनी लाने के लिए आपको सहयोग की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में विश्व से आपका सहयोग विशेष करके फर्स्ट वर्ल्ड से सहायता देते देते आए अभी भी देते। इसलिए ये जो सहायता की बात करते हैं जो बाइबल में लिखा है और उसमें हमने देखा है कि कलीसिया के जीवन में उस प्रकार का सेवा भावना से हमें योजनाएँ बनाना है, कार्यक्रम बनाना है, योजनाएँ बनाना है। प्रोजेक्ट कारण से बिल्डिंग नहीं है, प्रोजेक्ट कारण से रुपया नहीं है, प्रोजेक्ट कारण से कार्यक्रम जैसा आज का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम से बहुत लाभ मिलेगा आपको, हाथ मिलेंगे। तो कभी सुना ही नहीं था जीव और जीवन, कभी सुना था, मैं भी नहीं सुना। जब यहाँ जीव और जीवन तो गूगल पर चला कर दुनिया भर का उन्होंने कमेंट किए हैं और एक मूवमेंट है, आंदोलन है विश्व में, और ये कोरोना काल में कोविड 19 में लोगों को मोटिवेट किया, ग्रुप बना दिए समूह में और इसको मोटिवेट कर रहा है किस तरह से हमारे विश्व में शांति स्थापना हो, विश्व में आवश्यक लोगों को सेवा पहुँच सके, उसके कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं। गूगल में जाएंगे लोग बताएंगे हम कौन है तो क्या कर सकते हैं, नो अबाउट अस, कोई भी इतना मूवमेंट है, ये आंदोलन की तरह करते हैं। और विदेश के लोग ये चिंता करता है कि आदमी से आदमी जोड़ता है, संस्था से संस्था जोड़ते हैं, चर्च से चर्च जुड़ते हैं और छोटा बड़ा काम करते हैं ताकि हम शांति से जी सकें और बहुदायित जीवन जी सकें। इसलिए ईश्वर को पवित्र वचन में हमें क्या रखेंगे, मार्ग प्रशस्त होगा 3 उसका 1-3 1-6 मरकुस 3 अध्याय सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। वह फिर आराधनालय में गया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सब के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो, और उसने कहा क्या सब के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना, पर वे चुप रहे। उसने
उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदेसियों के साथ उसके विरोध में संति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। यहाँ तक आमीन। यहाँ यीशु के सामने कौन है? बहुत धन्यवाद। यीशु के सामने फरीसी और हेरोदियों के लोग, सबो के लोग, और यीशु को देख रहा है। यीशु को चंगाई का काम शुरू किया, जिसे वो समय वाला सुंदर थी। यीशु का कर्ज, सेवकाई का कर्ज, गलील क्षेत्र में, नसरत क्षेत्र में, कफरनहूम क्षेत्र में कितना सेवा किया। आज भी ये आवश्यक मानता, सबके वाला हाथ, सबके हाथ वाला मनुष्य जो दुख और दर्द में पड़ा हुआ था, उसको चंगा करने के लिए उसमें तैयार है। लेकिन बड़े बड़े बुद्धिजीवी धर्म अभिलंब क्या करते हैं? विरोध करते हैं कि पवित्र विश्राम दिन को नहीं करना चाहिए। ये आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन देखा है ना कल प्राचीन अग्निपथ का आंदोलन, कहीं आग लगा देते हैं, कहीं क्या करते हैं, इस तरह से लोग आंदोलन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह जिससे क्रोध होता है, क्रोध ही होता है जो आंदोलन करता है, परंतु दया में परिपूर्ण होता है उस व्यक्ति को हाथ बढ़ाने के लिए कहता है। तुरंत यीशु मसीह चुके हाथ अलग क्या कर दिया? ठीक कर दिया, चंगा कर दिया, स्वस्थ कर दिया, सुस्वस्थ जीवन दे दिया। और यीशु मसीह का आगमन का यही उद्देश्य था। योना दास दस में जाएंगे, योना 17 का 3 पद में लिखा है, कैसा परमेश्वर यीशु मसीह को जगत में आया। यीशु मसीह का उद्देश्य क्यों हम वहाँ देख सकते हैं, क्यों इस जगत में आया, वो योना 17:3 पद में मिलेगा। समय को क्या होते हैं? अनंत जीवन हुआ है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और इस सारे कामों से प्रभु यीशु मसीह को जानना है, समझना है, जो अभी तक जगत के लोग नहीं जाना है। अभी भारत का पॉपुलेशन को देखेंगे, इस पॉपुलेशन, इस जनसंख्या के अनुसार हम लोग 3.5% ही लोग यीशु मसीह को जानते हैं। 7.5% के लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। इसीलिए ये भले उत्तम काम करने के माध्यम से बहुत लोग हैं। मैं पहली उनके हाथ वाले को चंगा किया, उससे बहुत सारे लोग जानते हैं, लोग समझते हैं। भले उत्तम कामों को करेंगे तो उससे और अधिक जानने पाएंगे और उसका प्रचार प्रसार कर सकते। इसलिए कलीसिया के जीवन में जो सेवा का क्षेत्र है, दायरा है, इसमें भी लोग लेके चला गए। पहला तो एजुकेशन शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा सुसमाचार प्रचार। ये आतंक पालन और नमस्कार जिसे का तीन पिलर्स है, तीन मुख्य पिलर्स है, खम्भा है, स्तंभ है जिससे हम लोग काम करते हैं। इसलिए एजुकेशन शिक्षा देने के लिए आपको स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बोलना है, कॉलेज लेवल पर बोलना है। साथ ही साथ ना कल दुनिया का शिक्षा के लिए आध्यात्मिक शिक्षा को भी, जो कलिकल कॉलेज है, गोरखपुर का बाइबल दुनिया प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ पर हम अपनी जीवन की शिक्षा देते हैं, लोगों को मजबूत करते हैं, प्रभु के निकट लाते हैं, यीशु मसीह को भली बात को पहचाने के लिए और लोगों को पहुँचाएंगे ताकि हम यीशु मसीह को प्रेजेंट कर सकें। और यीशु मसीह जगत के गीत है, वो हर है, जिसको जोना 3:16 में हम लोग सभी कंठस जानते हैं। एक साथ बोलिए तो जोना 3:16, परमेश्वर ने जीवन पर एक गुहार है जगत में, पूरे संसार के धर्मी या पापी, दुष्ट या अच्छे, सबों के लिए जगत के यीशु मसीह एक गुहार है। और उस गुहार को जाने और लोग विश्वास करें ताकि वे नाश ना हो परंतु जीवन पर। ये तो आने का लक्ष्य है और इसी मुद्दा में, इसी पिलर्स में हम लोग खड़ा करके कलिसे में काम करेंगे, ईश्वर सेवा करेंगे, हमारा समय देंगे, हमारा हर प्रकार के बुद्धि लगाएंगे, उपाय करेंगे, व्यवस्था करेंगे कि लोग बहुतायत का जीवन पाएंगे, इसमें हम और लोग जीवन पाएंगे, बहुतायत का जीवन पाएंगे, ना केवल मैं तो सभी लोग जीवन पाएंगे, जिस
इसलिए लिव एंड लेट लिव, हमें जियो और जीने दो, मुझे जीना है और दूसरों को भी जीना है। इकोनॉमिक्स पॉलिसी में वही है, बिजनेस में वही सब करता है, इसलिए ईवेल आता है कैसा रेट बढ़ाना घटाना है, इससे तरह इकोनॉमिक कैसा बनता है, सब पॉलिसी बनता है। धार्मिक जीवन में उसी तरह हम लोग को हमेशा सोचना है कि आध्यात्मिक जीवन में हम लोग मजबूत बनना है, ताकि इस मसीह को भली भांति ग्रहण कर सके, विश्वास कर सके और बहुत अच्छा जीवन पा सकें। इतना ही के साथ मैं आज करता कि जीव और जीने के समाज सेवा के लिए कलिसिया को आगे आना है, और इसमें आप देखते हैं गोविंदपुर के अच्छा अच्छा कामों को देखते हैं, स्कूल है, वृद्धाश्रम है, आजीवन विकास केंद्र है, कोचिंग सेंटर है, सारी केंद्र है जो समाज के हित के लिए है। आपके पास संपत्ति है, पेड़ पौधा है, उसके अंदर लोगों की सेवा के लिए है, ताकि उसके द्वारा आप आगे आगे अभी तो किंडर गार्डन भी आ रहा है, कितना बना है मुझे सरकार की उसको ग्रहण करना, ताकि उसके द्वारा लोग आगे आ सकते हैं। इसलिए दोनों के द्वारा अच्छा है, यहाँ पर देखिए बहुत संस्था है, कोई पूरी भी अच्छा संस्था है, उसको देख करके आप जहाँ जाएंगे इस मंडली में, या पर्सनल चेयरमैन हो करके मंडली चेयरमैन हो करके मंडली चेयरमैन होंगे, आप कलेक्टर करेंगे और पर्सनल चेयरमैन बनेंगे, पेरिस चेयर बनेंगे, और अपने से कोई नहीं क्या बनेंगे, बिशप भी बनेंगे और मॉडरेटर बनेंगे। अभी का ये आपको समय में आएगा, क्या समय आएगा, बहुत पता आएगा, कोई कोई हर चेयरमैन बनेंगे, उस समय में ये सारे बातों को याद करें कि हमारा आना सेवा की है। और इस मसीह का है इसको मार्क 10:45 है ना, सेवा कराने में है, सेवा करने आया है, मार्क 10:45। ये सब रूल गोल्डन रूल है, गोल्डन क्वेश्चन है, इसको आप याद करते हैं, इसको मत्ती 7:12 में लिखा, वैसे ही जैसे कोई चाहते हो कोई उनके साथ वैसे ही करो। ये सारी बातों को आप मन में रखते अभी से आपका आध्यात्मिक परमेश्वर बढ़ाइए, ये सब बच्चन आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा, मजबूत करेगा, और आने वाले दिनों में एक अच्छा लीडर बनेंगे और आपके द्वारा अच्छा लीडरशिप होगा। लीडर और लीडरशिप बन कर है, लीडर को बहुत लोग बन करता है लेकिन लीडरशिप में गुण नहीं मिलता है, इसलिए सारे बच्चनों को अभी से अध्ययन मनन करेंगे, योगा करेंगे, संयम के साथ मन मंथन करेंगे, तो ये रिट्रीट आपके लिए जुग जुग के लिए होगा। मैं जितना भी रिट्रीट दिया हूँ अभी तक याद करता हूँ, रिट्रीट के माध्यम से बहुत शिक्षा मिलता है, आग्रह मिलता है। अभी जो हम बैंकॉक गए थे तो सिक्किम में स्टाफ लोग के साथ स्टाफ लोग अच्छा लगता है, क्योंकि अपना काम धाम छोड़ करके नया परिवेश में समस्या को देखा जाता है। फिर अभी हम थाईलैंड गए थे बैंकॉक में, वहाँ पर जो हम देखे कलिसिया क्या करते देखने चले गए, वहाँ पर पैसे लगाया ज़्यादा है, पैसे प्रति लोग ज़्यादा लगते हैं, इसलिए पैसे प्रति का प्रति क्या होता है, माँ प्रेगनेंट हो जाते हैं, लड़कियाँ प्रेगनेंट होते हैं, गर्भवती हो जाते हैं, तो वहाँ का कल्चर ही नहीं, सब प्रेगनेंट होते हैं, समाज उसको ग्रहण नहीं करता, ना कोई समाज का परिवार ही उसको ग्रहण नहीं करता, आउट आउट हो जाता है। ऐसे स्थिति में जल्द पहचान का बड़ी समस्या है, इसलिए एक अच्छा संस्था खोला है, वहाँ पर उनको लाता है और आवश्यक ट्रीटमेंट किया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, जब तक डिलीवरी ना हो, गर्भवती महिला हो उसको इस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है, बच्चा पैदा उसको बढ़ाना है, फिर ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि वो फिर चले जाते हैं, लड़की माँ का घर लौट सकती है या बच्चा ही कहना खुला में जाकर के परवरिश अच्छा होता है। एक चर्च का पहचाना हुआ थाईलैंड में देखिए कि एक समस्या को आइडेंटिफाई किया और उसको पहचान कर उसको प्रकार किया, गोविंदपुर में वृद्धाश्रम नाम को किया, गोविंदपुर में वृद्धाश्रम इसलिए कि माँ बाप को कोई देखता नहीं, आज मैं हूँ कल बुढ़ा लोग रिटायर होकर कोई देखेगा नहीं, ऐसे स्थिति में मैं वहाँ जाकर के शांति से रह सकता हूँ, इसलिए वृद्धाश्रम है। लेकिन उसका अभी प्रोपेगेंडा नहीं किया, उसका शिक्षा नहीं दिया, ताकि इस आश्रम के द्वारा वृद्धाश्रम के द्वारा ये वृद्ध माता पिता जिसके बदलो हम लोग इतना दूर आए हैं उनको सेवा दे सकें, शांति से रह सकें, विद्या देवी के साथ जीवन देखें, वहाँ किंडर गार्डन की अपने बच्चों को परवरिश करें, ताकि वहाँ से लोग अच्छा शिक्षा में आगे, ताकि उनका प्रोफेशन अच्छा हो, कोई प्रचारक बनेंगे, कोई प्रचारिक बनेंगे, कोई पदवी बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई फोर्स में चले जाएंगे, यही बच्चे वही से बन जाते हैं। इसलिए ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन जहाँ से हम लोग सीखते हैं, आराम करते हैं, बड़े बड़े लोग बनते हैं, देश के लिए
और परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करें तो हो गया। हम सब बहुत